कुछ ट्रैफिक के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी ऑन पैसिव को समझने में, जैसा कि बता रहे हैं, कई लोग गलती कर रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन आप सभी को शायद पता नहीं होगा, टारगेटेड ट्रैफिक के मामले में हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपड़ा जी नंबर वन पे आते हैं। और दूसरा, जो अभी कंपेनिंग चल रहा है, ये सारा का सारा ट्रैफिक हमारे 14 लाख लोगों के डाउनलाइन में आने वाला है। मान लेते हैं हम इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है या जूम है, हम बिना किसी लिंक के हम यूज कर पाते हैं। लेकिन हमारे इस सिस्टम को ऐसा क्रिएट किया गया है कि हमारे लिंक के बगैर दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी हो या कोई भी इंटरनेट यूजर हो, हमारे कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि दो तरह से आपको ट्रैफिक मिलेगा, और पहले तो सर ने अभी एक अनपढ़ लोगों की बात हुई, तो मैं यही ऐड करना चाहूंगा, ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ मतलब कोई डिग्री धारक ही मतलब ये हो हमारा ओन पैसिव में आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस आपको अपनी OAS की ID लॉगिन करना आना चाहिए, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी जो करेगी कंपनी करेगी। और जैसा कि अभी सर ने दो तरीके बताए थे, ढिलन सर ने, मतलब ट्रैफिक आने के, पहला तो जो अभी कंपेनिंग चल रहा है, और इन फ्यूचर ये सारा का सारा जो ट्रैफिक है, हम सभी 14 लाख फाउंडर के डाउनलाइन में आने ही वाला। और दूसरा, जो हमारे प्रोडक्ट के अभी लिंक आ रहे हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ये जूम अभी यूज कर रहे हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आप लोग, जब हमारा ओ कनेक्ट आएगा, उसका एक वेबिनार क्रिएट, लिंक क्रिएट करके आप अपने टीम में शेयर कर देते हैं, या आप किसी भी दुनिया के कोई भी जो नेटवर्क चलाते हैं, या जो ओ कनेक्ट को यूज करना जानते हैं, या जूम को यूज करना जानते हैं, तो आप उनको जब लिंक सेंड करेंगे, तो कंपनी की तरफ से वो हमेशा के लिए हमारे मतलब ऑन पैसिव के एक यूजर्स के रूप में बन जाएंगे। और इन फ्यूचर जब हमारे जो प्रोडक्ट है इतने सस्ते रहेंगे कि उनको कंपनी, हमारी कंपनी की तरफ से उनको मजबूर कर दिया जाएगा कि पैकेज लेना ही पड़ेगा। और ये इतना ट्रैफिक बड़े लेवल पे आने वाला है कि वाकई में हमारी जिंदगी चेंज होने वाली है। और जैसा कि दो तीन प्रोडक्ट हमारे फ्री ऑफ चार्ज वाले हैं, जैसे ओ नेट को ले लीजिए, या ओ मेल को ले लीजिए, या ओ ट्रिम को ले लीजिए, इन प्रोडक्ट की बैक एंड को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ट्रैफिक लाने के मामले में नंबर वन रहना पड़ेगा। क्योंकि आप सब बिंदास टेंशन फ्री दे, क्योंकि जो हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपड़ा जी हैं, वो इस मामले में नंबर वन है, और उनको कैसे करना है, कब करना है, ये उनको उचित मालूम है। आई थिंक आप लोगों ने टेक्निकल सेशन हमारे जो विलियम सर के होते हैं, वो कभी आप जरूर अटेंड कीजिए। बाकी रही बात इतने भी, जैसा कि सर ने बताया, टेक्निकल पॉइंट पे हमारे विचार करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप अनपढ़ हो चाहे आप पढ़े लिखे हो, बस आप अपनी टाइम टू टाइम अपनी आईडी को लॉग इन करते रहिए और लॉग आउट करते रहिए। थैंक यू, बस यही। इसमें ना मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ओके, बहुत अच्छा आज का सेशन वैसे चल रहा है, जो मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आज के सेशन में। देखिए, हम असल में ना जो ऑन पैसे में लोग हैं, हम ऐश के साथ डील कर रहे हैं सारे के सारे में, मिस्टर ऐश। ओके, अब मिस्टर ऐश कौन है? ओके, सबसे पहले हमें ये बात देखिए, वो एक जीनियस मार्केटर है। ओके, दुनिया के मिस्टर ऐश है, जो वो ऐसे हमारी तरह रैंडम उठ के नहीं आगे की कंपनी बनानी शुरू कर दी, मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने कंपनी बनानी शुरू, नहीं। उनके वो पहले भी यही काम कर रहे थे। कई बार मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर पैसा कहाँ से आ रहा है, कंपनी इतना पैसा कैसे लगा रही है, कैसे? तो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंटरनेट से डील कर रहे हैं मिस्टर ऐश। इंटरनेट में बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, और उन बिलियंस ऑफ डॉलर को कैसे कैसे ग्रैब करना है, कैसे लेके आना है, वो ऐश से ज्यादा कोई और नहीं जानता। और उसी के जरिए ऐश आज की डेट में भी, आज की डेट में भी बहुत सारे पैसे उस इंटरनेट से कमा रहे हैं। ओके, वो ऐसे हाथ पे हाथ धर के, वो ऑन पैसे तो बन रही है, वो अलग मैटर है, बट उनका जो मेन काम है इंटरनेट मार्केटिंग का, वो सारा, वो आज भी वहां से पैसे कमा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान है यहाँ पे, आप ऑन पैसे कर रहे हो, आपने दुकान थोड़ा अपनी बंद कर दी है। ओके, आपकी दुकान चल रही है, आपका घर का गुजारा वहां से चल रहा है। तो ऐसे ही ऐश की जो मार्केटिंग का एक 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 फंडा है, वो ऐश का ऑलरेडी चल रहा है, जो आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से वो चल रहा है। तो अब आते आते 2018 के बाद, जब ये हम भी तो ट्रैफिक हैं, वो और इंक्रीज हो गया है। ओके, तो इंटरनेट को, ऐश को एग्जैक्टली मालूम है कि इंटरनेट से पैसा कहाँ से उठाना है। ओके, कैसे उठाना है, और ज्यादा क्वांटिटी में उठाना है। तो जब हम कई बार सोचते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे फंड हो रहा है,
तो ऐश के पास ऑलरेडी फंड्स हैं, उनके अपने हैं। ऐश ने बहुत बार बोला है कि ये पहली कंपनी है जो कि डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा लेके ऑन पैसिव नहीं बन रही यहाँ पे। ओके, तो ये ऐश की तरफ से रोज के रोज इंटरनेट ऑलरेडी उनको पैसे रोज के रोज कमा के दे रहा है। वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे कि और ठीक है मैं ऑन पैसिव बना रहा हूँ तो मेरा अपना जो काम है वो मैं छोड़ दूंगा, नहीं, वो कर रहे हैं। रोज के रोज वो पैसे कमा रहे हैं, रोज के रोज पैसे आते हैं उनके पास, और वो प्रोजेक्ट भी फंड हो रहा है। ठीक है, उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, आने जब इतना पैसा कमाया तो व्हाई नॉट, चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए उनके जब दिमाग में ऑन पैसे बनाने का ये आइडिया आया था, तो सिंपल यही आइडिया था कि ठीक है मैं पैसे बना रहा हूँ। एक आम, जब आज बात चली है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे या अनपढ़ मान के चलो लोग हैं, तो उनके दिमाग में ये आइडिया इसीलिए आया था कि ठीक है मैं कमा रहा हूँ, बट वो बेचारा अनपढ़ जो आदमी है वो कब कमाएगा पैसा इंटरनेट से? ठीक है वो हार्डवर्क कर लेगा, वो रिक्शा चला लेगा, वो तो कर लेगा, बट इंटरनेट उसको कैसे समझ आएगा, इंटरनेट से वो पैसा कैसे कमाएगा यार वो? तो लेट्स गिव अ सिस्टम, कुछ ऐसा सिस्टम मैं बनाऊं कि उसके लिए भी काम आए। तो आज वही वो जो अनपढ़ बंदा है वो हमारे ऑन पैसे में है, और उसको कितनी बड़ी होप है यहाँ पे। और वो ऐश का जो सपना है कि वो लाइन में खड़ा हुआ आखिरी आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है या कोई भी है, उसको इंटरनेट से कैसे बेनिफिट देके जाना है, वो आज साकार हो रहा है वो वाली चीज। ठीक है ना? सो इसलिए अगर लाइन में खड़ा हुआ आखिरी आदमी के बारे में ऐश ने सोचा है, तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो फिर आगे निकल काफी कुछ कर जाएंगे हम तो। अगर अगर वो सक्सेसफुल हमने कर दिया बंदे को, वो रिश्ते वाले को, वो रेडी वाले को हमने सक्सेसफुल कर दिया, तो हम तो हो जाएंगे बस। ये सीधी सी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारा फोकस ये है कि हम जितने भी लोग हैं जिनको वो चीजें नहीं मिली, हम उनको देंगे। और इवन जब आ जाएगा, मैंने तो एक बार पता नहीं हम नीरज से किससे हम बात कर रहे थे मीटिंग ब्रेक में, कि हमारा टारगेट ये भी चाहिए कि वो जो ये लोग हैं जिनके पास ऑन पैसिव नहीं शायद पहुंचेगी नहीं कभी, या उनको पकड़ो अपने शहर में, रिक्शे वाले रेडी वाले, ये आ यार अपनी ओमल बना यार, उसकी रेडी पे खड़े होकर ही कर दो। आपको शायद मालूम होगा टेक्नोलॉजी उसने पकड़ ली है, उसके उसके रिक्शे के आगे या उसके रेडी पे पेटीएम एटीएम के लगे हुए चीजें सारे आप करते हैं, उसको मालूम है टेक्नोलॉजी, बट उसको अब वो टेक्नोलॉजी खुद पैसा कैसे कमा सकता है? आ यार ये ले, रजिस्टर हो गया, बात खत्म, इसको रोज लॉग इन कर लिया करना और तू देख क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम पकड़ सकते हैं उनको, ओके, पकड़ पकड़ के उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो हमारा लिंक्स हमारे पास है, तो इसमें ला सकते हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। जी